हेलो एवरीवन, आज हम सीआरपीसी का एक सेक्शन है जो कि 91 है, उसके बारे में समझेंगे कि वो सेक्शन किस बारे में डील करता है। सेक्शन जो 91 है वो डील करता है कि संबंध करने के लिए संबंध टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। मान लो कोर्ट को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट है या कोई थिंग्स है जो किसी पर्सन के पोजीशन में है, उसके पास है, और उस डॉक्यूमेंट्स को लाने से ट्रायल जो चल रहा है या इंक्वायरी चल रही है या जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके अंदर कुछ बेनिफिट होगा, तो वो एक संबंध इशू कर सकते हैं उस पर्सन को कि भाई वो पर्सन जो है वो उस डॉक्यूमेंट्स को या उस थिंग्स को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करे जिस पर्सन के पास वो है। लेकिन ये सेक्शन और ये जो चीज़ होती है कोर्ट उसको बोलती है, और इसके अंदर जो होता है वो ये लिखा जाता है कि किस टाइम किस जगह पर वो आपको डॉक्यूमेंट या थिंग्स लेकर आनी है। हाँ, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन के पास या जिसको वो डॉक्यूमेंट्स है उस पर्सन को भी आना जरूरी हो, क्योंकि मेन पर्पज़ होता है डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स को लेकर आना। अगर वो पर्सन नहीं आता और किसी के थ्रू वो डॉक्यूमेंट और जो थिंग्स है वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर देता है तो भी उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन कोर्ट ने उसको पर्सनली अगर बुलाया है तो डॉक्यूमेंट के साथ फिर उसे आना पड़ेगा। अब इसी के अंदर जो होता है कि ये जो सेक्शन है वो कब कहाँ पर नहीं लगेगा, कि एक सेक्शन जो है 123 एंड 124 जो होता है एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे ये चीज़ नहीं लगेगी। सेक्शन 123 और 124 जो होता है वो एविडेंस एक्ट का क्या कहता है, वही कहता है सेक्शन 123 की एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट्स कि नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव फ्रॉम अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ स्टेट एक्सेप्ट विद परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न हु शैल गिव और विदहोल्ड द परमिशन एज थिंक फिट। कि कई बार कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं मतलब कि जिनको पब्लिश नहीं किया जाता तो वो डॉक्यूमेंट्स को नहीं मंगाया जा सकता। वह सेक्शन 124 कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कई बार क्या होती है कि नो पब्लिक, इसमें है कि नो पब्लिक ऑफिशियल शैल बी कंपेयर्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। तो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस की कई चीज़ होती है जिनको जो कोर्ट में लाना जरूरी नहीं होता है, जो कि इस सेक्शन के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। अब इसी में एक सेक्शन है 92, एक होता है प्रोसीजर एज टू, अच्छा इसी के अंदर सेक्शन एक हो रहा है कि टू अप्लाई टू लेटर पोस्टकार्ड टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन कस्टडी ऑफ पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी। अगर पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी के पोजिशन के अंदर कोई लेटर है, पोस्टकार्ड है, टेलीग्राम है या कोई अदर डॉक्यूमेंट है, उस पर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। 91 है कि उसे वो चीज़ें कोर्ट में लानी होंगी। लेकिन 92 कहता है प्रोसीजर एज टू टेलर लेटर एंड टेलीग्राम कि मान लो एनी डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग जो है वो कस्टडी में है पोस्टल डिपार्टमेंट के, और इन ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है या कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है, हाई कोर्ट जो है वो चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल के पर्पज से और अदर प्रोसीडिंग के पर्पज से मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी है कि वो एज द केस में भी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट पार्सल थिंग एज पर्सन टू मजिस्ट्रेट, कि वो चीज़ें अगर कोर्ट को लगता है जरूरी तो उसको कोर्ट मंगवा भी सकता है।